आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन है आपका 42, इसमें आपको फैमिली ऑफ कर्व दे रखी थी और इसका आंसर मैंने कर दिया था A1। ये गलत है, A1 नहीं है, इसके आंसर की बुक में गलत दे रखी है। इसका आंसर होगा 3। देखिए कैसे, आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू ax प्लस ए क्यूब। हमेशा आप याद रखिए कि डिग्री निकालने के लिए कम से कम आपके पास y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश इक्वेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाएगी। कम से कम dy बाय dx आपके पास होगा तो ही आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू a प्लस 0। अब डिग्री की डेफिनेशन में एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आते हैं इनको आपको हटाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ y, x और उनके डेरिवेटिव, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जिसके अंदर डिग्री देखी जाती है। ठीक, तो इसको जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू एक्स फिर प्लस dy बाय dx इसका क्यूब। इस चीज़ का प्लीज़ खास तौर से ध्यान रखिएगा कि जितने भी कॉन्स्टेंट है उसको आपको एलिमिनेट करना है। वो कांस्टेंट हो सकता है आपके एक्स वाई वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए, कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में आ जाए, या इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म्स में आ जाए, पर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही आप डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है। ये चीज़ आपने 68 क्वेश्चन में भी करी थी जस्ट नाउ कि डी वाई बाई डी एक्स इससे बड़ा कुछ नहीं आ रहा है तो उसका ऑर्डर तो 1 ही होगा, पर हाईएस्ट ऑर्डर भी 1 है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, dy बाय dx, और इसकी पावर क्या है, 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो यहां पर क्या है, 3, तो इसीलिए इसकी डिग्री होगी 3। तो उसका आंसर है सी, बुक में गलत दे रखा था, आप इसको देख लीजिएगा, आंसर 1 नहीं होते हुए 3 होगा।